नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जेड पैरामीटर। ओके, अब देखो तुम्हारे पास दो टाइप्स के न्यूमेरिकल आते हैं, या तो वो दे देंगे टी नेटवर्क में या फिर वो दे देंगे पाई नेटवर्क में। ठीक है, टी नेटवर्क कुछ इस तरह का होता है, तो वो इस तरह से दे देंगे। टी नेटवर्क का मतलब क्या है कि यहाँ पे इम्पिडेंस होगा, यहाँ पे इम्पिडेंस होगा और यहाँ पे इम्पिडेंस होगा, तो ये टी की शेप लेता है, तो टी नेटवर्क हो गया। पाई में यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, कि पाई की शेप लेता है, तो ये पाई की तरफ। ठीक है, अब अगर सब ये नेटवर्क नहीं है, कुछ और इन्होंने नेटवर्क दे दिया, तो हमें इसी नेटवर्क में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्लियर, इसी नेटवर्क में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और वो कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्टार एंड डेल्टा। इसके लिए तुम्हें स्टार और डेल्टा के फॉर्मूलेस भी याद होने चाहिए, जो तुमने पहले कभी पढ़े थे। ठीक है, वो नेक्स्ट केस में कभी किसी न्यूमेरिकल में मैं करवा दूंगी, बट फिलहाल ये समझो कि अगर हमारे पास टी पैरामीटर का नेटवर्क आएगा, तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। क्लियर, अब इसमें हमारे पास एक चीज और होती है, कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, तो इसकी डेरिवेशन नहीं आती, बस डायरेक्ट तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर तुम्हें दी हुई है कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, तो उस केस में Z12 की वैल्यू क्या होगी, Z21 के इक्वल होगी। ओके, क्लियर। अब सपोज मैं एक टी नेटवर्क का एग्जांपल ले रही हूँ, कि तुम्हें टी नेटवर्क दिया हुआ है उसमें, या फिर तुम्हें एक पाई नेटवर्क दिया हुआ है। सबसे पहले पाई ले लेते हैं। अगर तुम्हें एक पाई नेटवर्क दिया हुआ है, उसमें मान लो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है 20 ओम, वैल्यू दी हुई है 40 ओम, और इसकी वैल्यू दी हुई है 60 ओम। ओके, और तुम्हें बोला हुआ है फाइंड जेड पैरामीटर। कोई भी पैरामीटर पूछ सकते हैं, जेड, वाई, एच, ए, बी, सी। तुम्हें कोई भी एक पैरामीटर निकाल लिया, सबसे इजी पैरामीटर निकालना कौन सा है, जेड पैरामीटर। तो तुम बाकी पैरामीटर कन्वर्जन की हेल्प से निकाल सकते हो। गॉट इट। तो अब बताओ कैसे करोगे, ये एक पाई नेटवर्क है और इसी तरह हमारे पास एक टी नेटवर्क है। ठीक है, टी नेटवर्क में हम आपको मान लो ये हमारे पास 10 है, 20 है और ये 30 है। ओके, इसमें भी हमें क्या निकालना है, जेड पैरामीटर। बस यही दो चीज़ें पूछते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछते। अब देखो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले समझते हैं टी का। टी में हम क्या लगा दें, यहाँ पे डिपेंड करता है कि वोल्टेज सोर्स है या नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें फॉर्मूलेस बताए थे, सबसे पहले निकाल लेते हैं Z11। ओके, Z11 का क्या फॉर्मूला था, V1 by I1 आना चाहिए, I2 इसमें क्या है, 0, राइट। तो इसमें V1 by I1 तो हम यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दें, यहाँ पे V1 हो गई, यहाँ पे हमारे पास I1 हो गई, राइट। और यहाँ पे प्लस माइनस V2, इसमें कि I2 क्या है, 0। तो Z11 is equal to V1 by I1। अब हमें कुछ भी ऐसा करना है कि V1 by I1 की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आनी चाहिए, राइट। तो हम क्या लगाते हैं, इधर KVL लगा ले, सिंपल एंड इजी। इस वाले मेश में कितना करंट फ्लो रहा है, I1, उधर से I2 कर नहीं रहा क्योंकि I2 क्या है, 0 है। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, -10 I1 -30 I1 +V1 is equal to 0, यही बनेगी, राइट। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई V1 और I1 की फॉर्म में, तो -40 I1 is equal to -V1, -से Y कट गया, तो V1 by I1 कितना हो गया, दैट इज 40। तो Z11 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 40 ओम। क्लियर, अब इसी तरह, हाँ ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस में हम क्या लगाते हैं, Z22 निकालें। Z22 का क्या फॉर्मूला था, Z22 by I2, I1 is equal to 0, राइट। तो V2 by I2 I1 की इक्वल टू 0। तो अब हमें वोल्टेज कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे हमने वोल्टेज लगा दी, और यहाँ से मेरे पास करंट कितना फ्लो रहा है, I2, यहाँ पे हमारे पास I1 की वैल्यू क्या है, 0 है। अब
अब हम यहाँ पे मैश लगा दे तो क्या इक्वेशन बनेगी, माइनस 20 I2 माइनस 30 I2 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस 50 I2 इज इक्वल टू माइनस V2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, V2 बाई I2 कितना आ गया हमारे पास 50 ओम। क्लियर। अब हमें निकालना है Z12 और Z21, राइट। अब वो बताओ कैसे निकालोगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि Z12 के लिए क्या फॉर्मूला है। Z12 के लिए V1 बाय I2, राइट, V1 बाय I2, जिसमें I1 क्या है, 0 है, तो यही वाला केस हो गया। Z12 इज इक्वल टू V1 बाय I2, जिसमें I1 की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, V1। V1 इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 30 ओम, होगा या नहीं होगा, क्योंकि इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इधर करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, 0। तो V1 सारी की सारी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 30 ओम के क्रॉस। तो वोल्टेज इज V1, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस 30 ओम। इसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होता है, I into R, राइट। 30 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, 30, राइट। तो मेरे पास आ गया V1 बाय I2 के फॉर्म में, तो V1 बाय I2 इज इक्वल टू 30 ओम। आ गई Z12 की वैल्यू। अब इसी तरह हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, Z21, राइट। Z21 का क्या फॉर्मूला है, V2 बाय I1, राइट। तो यहाँ से निकाल लें V2 बाय I1, Z21 यहाँ से निकल जाएगा। तो अब हमारे पास अगेन V2 इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 30 ओम होगा। अब इसमें I2 क्या है, 0 है, तो कितना करंट फ्लो होगा, I1 into 30, राइट। तो V2 बाय I1 इज इक्वल टू 30। आ गया डायरेक्ट आंसर, बोलो इसमें कोई डाउट। चलो अब आ जाते हैं हम पाई नेटवर्क पे। पाई नेटवर्क में सबसे पहले हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया है, राइट। हमने यहाँ पे V1 दे दिया और हमने यहाँ पे I1 दे दिया, करेक्ट। अब हमारे पास प्लस माइनस V2 है सप्लाई, और I2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो अगेन हम फर्स्ट केस ही निकाल रहे हैं, दैट इज Z11 इज इक्वल टू V1 बाई I1, I2 इज इक्वल टू 0, राइट। Z11 इज इक्वल टू V1 बाई I1, और जिसमें I2 की वैल्यू क्या है, 0। अब तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, ये स्टार डेल्टा से नहीं होगा। स्टार डेल्टा से हम टी और पाई में कन्वर्ट करते हैं, वो ऑलरेडी टी और पाई में कन्वर्टेड है, ठीक है। तुम्हें V1 चाहिए और I1 चाहिए, है ना। तो हम क्या करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, करंट डिवीजन रूल पता था ना मेरे को, इसमें करंट निकालनी है। सपोज ये मान लूँ मैं I डैश मान लूँ, तो इसके अकॉर्डिंग I डैश का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल वोल्टेज, राइट। टोटल वोल्टेज कितनी हो गई यहाँ पे, V1 मल्टीप्लाइड बाय जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, दैट इज 80, राइट, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 40 प्लस 80, ओके सॉरी यहाँ पे टोटल वोल्टेज नहीं आएगा, टोटल करंट आएगा, आई बनाएगा फॉर्मूला, टोटल करंट होता था, करंट डिवीजन रूल, राइट। तो मेरे पास एक चीज आ गई, क्या चीज आ गई, I1 आ गया, है ना। मुझे क्या नहीं चाहिए, आई डैश, है ना। आई डैश की जगह मुझे क्या चाहिए, V1 चाहिए, मुझे V1 बाय I1, यहाँ आई डैश की जगह V1 की टर्म्स में आ गया, तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब ये देखो, वोल्टेज अक्रॉस दिस वन वुड बी V1 और नॉट, 40 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो मैं लिख लूँ V1 इज इक्वल टू 40 into I डैश, लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास I डैश की वैल्यू कितनी आ गई, V1 बाय 40 आ गई,
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर होता है, वोल्टेज कितनी है 40 ओम के अक्रॉस, वी वन है, रेजिस्टेंस कितना है 40 है, करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई डैश हो रही है, तो आई डैश कितना आ गया, वी वन बाई 40 आ गया, राइट। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 80 बाई 120, ये 40 को भी उधर भेज दो, तो ये 40 उधर चला गया। तो इसको सॉल्व करके वी वन बाई आई वन, इसको सॉल्व करके पूरा तुम्हारे पास आ जाएगा, दैट इज 26.66 ओम। तो हमारे पास ये कौन से पैरामीटर की वैल्यू आ गई, दैट इज Z11 आ गई। Z11 का क्या फॉर्मूला था, वी वन बाई आई वन आ गया, एंड आई टू इज इक्वल टू 0, राइट। अब नेक्स्ट केस पे आ जाओ, नेक्स्ट केस कौन सा था, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज Z21 है ना। अब Z21 का क्या फॉर्मूला होता है, वी टू बाय आई वन, राइट, आई टू इज इक्वल टू 0, तो यही सर्किट डायग्राम रहेगा, इसलिए मैंने सेम यही ले लिया। अब मुझे वी टू निकालना है, वी टू इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 60 ओम, होगा या नहीं होगा, वी टू इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 60 ओम, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इंटू आर। अब इसमें मैं मान लेती हूँ कितना करंट फ्लो रहा है, आई डबल डैश, ठीक है, तो आई डबल डैश मल्टीप्लाइड बाय 60, ये होगा वी टू के इक्वल। यहाँ तक कोई डाउट, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रही हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस 60 ओम, यही होगा वी टू। अब मुझे आई डबल डैश निकालनी है, सिंपल, हम आई डबल डैश तो करंट डिवीजन रूल से भी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है करंट डिवीजन रूल का, टोटल करंट कितनी है, आई वन मल्टीप्लाइड बाय जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, राइट, तो उसके अपोजिट 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 80 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि 20 और 60 क्या है, सीरीज में है। तो मुझे आई डबल डैश तो नहीं चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, वी टू चाहिए, तो यहाँ से वी आई डबल डैश की वैल्यू निकाल दो, दैट इज वी टू डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना हो गया, वी टू डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू आई वन इंटू 40 बाय 40 प्लस 80, राइट। तो अगेन आई आई वन को इधर ले आओ, 60 को उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, वी टू बाई आई वन इज इक्वल टू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 80, तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20 ओम। तो फाइनली वी गॉट इट, Z21 इज इक्वल टू वी टू बाई आई वन इज इक्वल टू 20 ओम, आ गई ये वैल्यू, समझ गई। तो हमने दो चीज़ें लगाई, या तो हम मेश लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, मेश केवीएल हम किस में लगाएंगे, टी टाइप के सर्किट में, राइट, और अगर हमारे पास पाई टाइप का सर्किट होगा तो हम क्या प्रेफर करेंगे, करंट डिवीजन रूल। अब नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, Z22, राइट, Z22 के लिए हमारे पास आई टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0, तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज अभी वी टू कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी आई वन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस वी वन, आई वन इस केस में क्या है, 0, राइट। अब Z22 इज इक्वल टू वी टू बाई आई टू, आई वन इज इक्वल टू 0, यही होगा। अब बताओ कैसे होगा ये, अब दोनों पैरामीटर्स तुम्हें खुद निकालने हैं,